नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कलानिधि नैथानी ने सुभाष चौक पर नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उन्होंने एनसीसी, एनएसएस एवं स्कूली छात्र छात्राओं को बुलाकर उनसे भी माल्यार्पण कराया। सड़क सुरक्षा माह के तहत जनपद, तहसील एवं ब्लॉक के साथ ही ग्रामीण अंचलों में स्वयंसेवी संगठनों, सामाजिक संस्थाओं, स्काउट गाइड, एनसीसी, एनएसएस कैडेट द्वारा जनमानस की सहभागिता से मानव श्रृंखला बनाकर यातायात सुरक्षा एवं नियमों के प्रति जागरूक किया गया। डीएम एसएसपी ने सुभाष चौक पर यातायात नियमों के अनुपालन के लिए शपथ भी दिलाई। अलीगढ़ से राजपाल सिंह आर की रिपोर्ट देखिए। के प्रति जागरूकता पैदा करने के नजरिए से ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही है और इस मानव श्रृंखला में समाज का हर तबका पार्टिसिपेट कर रहा है। ये मीडिया बंधु और सर्वप्रथम जनपद के जिलाधिकारी, आरटीओ साहब, हमारे एसपी ट्रैफिक, सभी को मैं धन्यवाद कहता हूं कि इतना बड़ा आयोजन यहां पर हुआ है और आप सब इसमें शामिल हुए हैं। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की जयंती के अवसर पर हम सब लोग गौरवान्वित हैं कि उनसे प्रेरणा लेकर के आज एक कार्यक्रम यहां पर हो रहा है और यहां सिविल सोसाइटी के भी लोग आए हैं, एनसीसी से लोग हैं, एनएसएस से लोग हैं। ये एक यूनिक संगम है सभी शाखाओं का, सिविल सोसाइटी का, शासन प्रशासन, ट्रैफिक विभाग सभी का और मीडिया बंधु यहां पर हमारे सहायता के लिए खड़े हैं ही हैं। मैं सभी को आज के दिन का शुभकामनाएं देता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सभी यहां पर हैं। मेरे साथ जोर से तीन बार बोलेंगे, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, धन्यवाद। देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हमारी आज़ादी के महान नायक थे और आप सब जानते हैं कि देश की आज़ादी में उनका अप्रतिम योगदान था। आज उनका जन्मदिवस है और उस जन्मदिवस के अवसर पर अलीगढ़ के सबसे प्रमुख चौराहे पर, जहां से कलेक्ट्रेट और अन्य सभी कार्यालय शुरू होते हैं, उनकी प्रतिमा यहां पर स्थापित है। आज मेरे और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा तथा यहाँ के जो सम्मानित नागरिक हैं और बच्चे हैं, स्कूलों के बच्चे, उनके द्वारा माल्यार्पण करके उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। देश की आज़ादी का जो वो तबका था जिसने सशस्त्र संघर्ष का रास्ता अख्तियार किया, उसमें सुभाष चंद्र बोस जी का स्थान था और इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी, तत्समय के युवाओं को इसमें जोड़ा था और अगर वो बल ना रहा होता तो आज़ादी शायद इतनी आसानी से हासिल न होती। तो उनके उस योगदान को स्मरण रखते हुए और अगली पीढ़ी तक उनकी योगदान को पहुंचाने के नज़रिए से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, नेताजी की कुर्बानी और राष्ट्रीयता एक बहुत ही उच्च श्रेणी की थी और उनका जो त्याग और बलिदान, उनको शब्दम नेहरू पंडित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने उनके संदर्भ में कहा था कि उन्होंने जिस तरीके से जो उनका त्याग और बलिदान और एकजुटता जातियों और उससे जो उन्होंने जो जो प्राप्त की, लोगों को जिस तरीके से एकत्रित किया, वो अपने आप में अतुलनीय है। तो सुभाष जी का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का दूसरा उदाहरण स्वतंत्रता संग्राम में मिलना मुश्किल है। उनका जिस तरीके से भारतीय उस समय की जो इम्पीरियल जो सर्विस थी उससे त्यागपत्र देना और ज़मीन से उठकर आए थे और कलकत्ता जो नगरपालिका थे उसके भी चेयरमैन थे और उस समय जो थे, उस समय एक तो अधिवेशन में उन्होंने, उसके दौरान ही उन्होंने लाठी चार्ज हुआ, उनका पैर तोड़ दिया गया था और उसके बाद उन्होंने उसका जो सत्र है नगर निगम का जो उसे किया था। तो उनके बारे में जितना वो हम लोगों के जो खासतौर से युवा पीढ़ी है इस देश की, उसके लिए जो जहाँ कहीं ना कहीं राष्ट्रीयता की भावना, जो एक सही राष्ट्रीयता की, एक राष्ट्र प्रेम की भावना लुप्त होती नज़र आ रही है, वो ऐसे जो आदित्य है। और आज यहाँ पर इस पार्क में क्यों आई हैं? सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत नमस्कार और समस्त देशवासियों को आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने वाले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। और मेरा सौभाग्य है कि मैं इस समय अलीगढ़ के एक विख्यात चौराहे पर उनकी प्रतिमा पुष्पार्पण करने के बाद उनके संबंध में अपने विचार रख रही हूँ।
मैडम आपका परिचय करना चाहेंगे। मैं डॉक्टर शुभदा पांडे, मेवाड़ विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग की विभागाध्यक्ष और पूर्व में शिलचर आसाम के केंद्रीय विश्वविद्यालय में अध्यापिका। मैं पहले आपका परिचय जानना चाहूंगा और ये कार्यक्रम के बारे में। मैं डॉक्टर राकेश सक्सेना, अध्यक्ष अहिंसा फाउंडेशन। सन 1997 में जब नेताजी की 100वीं जयंती थी और आज़ादी की 50वीं वर्षगांठ थी, तब अहिंसा फाउंडेशन ने सुभाष चौक की स्थापना कराई, नेताजी की प्रतिमा लगाई और तब से लगातार 25 वर्ष हो गए। प्रतिवर्ष हम लोग 23 जनवरी को यहाँ पे कार्यक्रम करते हैं नेताजी की स्मृति में। नेताजी आज़ादी आंदोलन के वो महान योद्धा थे जिन्होंने ICS की नौकरी को त्यागपत्र दे के आज़ादी आंदोलन में कूदे और हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान से बाहर जाके आज़ादी फौज की स्थापना करी और हिंदुस्तान की सरजमी पे सबसे पहले हिंदुस्तान को आज़ाद कराने वाले, मणिभूमपाल में तिरंगा लहराने वाले नेताजी थे। उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार की भी स्थापना करी, अपनी करेंसी बनाई, विश्व के अनेक देशों ने, जर्मनी, जापान ने उनको मान्यता प्रदान करी थी उनकी सरकार को है। लेकिन एक आकस्मिक जो भी दुर्घटना हुई 43 में, उसके बाद वो एक रहस्य बना रहा नेताजी के प्रति। लेकिन जो उनका डेडिकेशन था, जो उनका त्याग और बलिदान है, वो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि एक ICS जैसी नौकरी छोड़ के आज़ादी आंदोलन में कूदना और अपने आप को सर्वस्व निछावर कर दिया इस आज़ादी आंदोलन के लिए। आपने डेली न्यूज़ से बात की, इसके लिए आपका बहुत अच्छा, बहुत बहुत आभार आपका डेली न्यूज़ का भी कि वो हमारी बातों को, नेताजी के व्यक्तित्व को और कृतित्व को पूरी जनता के बीच में ला रही है। इसके लिए मैं डेली न्यूज़ का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ।